आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 38 साल बाद पहुंची शहीद की देह, लेकिन नहीं देख पाए चेहरा। शहादत के 38 साल बाद शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर घर पहुंचा, पर परिजन उनका चेहरा नहीं देख सके। उन्होंने ताबूत से लिपटकर उनकी मौजूदगी को महसूस किया। 38 साल से पिता का इंतजार कर रही कविता बबीता और पति की राह ताक रही पत्नी शांति देवी का इंतजार 17 अगस्त को सुबह 12:47 पर ख़त्म हुआ। सेना के बैंड की धुन और भारत माता के जयकारों के साथ जब शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो परिजन ताबूत से लिपटकर रोने लगे। वहीं शांति देवी की निगाहें तो ताबूत पर ऐसे टिकी कि मानो उनकी दुनिया वहीं थम गई हो। प्रदेश में जन्माष्टमी की सरकारी छुट्टी आज नहीं, 19 अगस्त को। उत्तराखंड में सरकारी कार्यालयों में जन्माष्टमी पर सार्वजनिक अवकाश 18 अगस्त के स्थान पर 19 अगस्त को होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक अवकाश में संशोधन के संबंध में सूचना जारी की है। प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी का त्यौहार 19 अगस्त को मनाए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए 18 अगस्त के स्थान पर 19 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। NSA की सुरक्षा में चूक पर 3 कमांडो बर्खास्त। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के आवास पर हुई सुरक्षा चूक को लेकर के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 3 कमांडो को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं इस सुरक्षा इकाई का नेतृत्व कर रहे उप महानिरीक्षक और कमांडेंट रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। केदारनाथ में 5 हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाताओं पर जुर्माना। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने केदारनाथ धाम में 5 हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाताओं पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना उड़ानों में बाधा के कारण लगाया गया है। केदारनाथ में 5 हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाताओं पर जुर्माना। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने केदारनाथ धाम में 5 हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाताओं पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उड़ानों में बाधा के कारण लगाया गया। साथ ही DGCA ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर 2 अन्य संचालकों की उड़ानों पर 3 महीने तक रोक लगा दी है। कृषि कर्ज पर ब्याज में 1.5% छूट, आपात ऋण का दायरा भी बढ़ा। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए लघु अवधि में कृषि ऋण पर ब्याज सहायता को मंजूरी दे दी। इसके तहत 3 लाख रुपए तक का कर्ज लेने वाले किसानों को ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। CUET 13 केंद्रों पर फिर परीक्षा स्थगित हुई। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के 4th चरण में 13 केंद्रों पर बुधवार को परीक्षा भी स्थगित करनी पड़ी। यह फैसला तकनीकी कारणों से हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुताबिक 13 शहरों में 1ली और 2री पाली की परीक्षा स्थगित की गई। पेपर लीक, ईडी करेगी हाकम सिंह समेत अन्य आरोपियों का हिसाब। पेपर लीक मामले में हाकम सिंह समेत अन्य आरोपियों का हिसाब अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी करेगा। अब तक पकड़े गए लोगों की बेहिसाब संपत्तियों के बारे में भी पता चला है। ऐसे में STF ने सभी आरोपियों की रिपोर्ट ईडी को भेज दी है। साथ ही 15 अहम गवाहों के मजिस्ट्रेट के समक्ष कलमबद्ध बयान भी दर्ज कराए गए हैं। इस मामले में STF आरोपियों के पास से अब तक 83 लाख रुपये नकद बरामद कर चुकी है। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र में 15 से 20 लाख रुपये में बेचा गया था। ऐसे में यह मामला करोड़ों के लेन देन का माना जा रहा है। एक एक नकल कराने वाले के पास 50 से 70 लाख रुपए तक आए हैं। प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी ने भी इसी पैसे से तमाम संपत्ति खरीदी थी। यही नहीं, कई लोगों के बारे में भी STF ने बहुत सी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया है। STF के SSP अजय सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपियों की संपत्तियों की जानकारी ईडी को भेज दी गई है। FIR और अब तक जांच में मिले तथ्यों में को भी ईडी के साथ साझा किया गया है। मामले की जांच को पुख्ता करने के लिए 15 गवाहों के कलमबद्ध बयान न्यायालय में कराए गए हैं।
ताकि एसटीएफ को दिए बयानों की पुष्टि हो सके। और भी सबूत साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी से एक और अभ्यर्थी को देहरादून ले आई एसटीएफ। पेपर लीक मामले में एसटीएफ उत्तरकाशी जिले के एक और अभ्यर्थी को दून लेकर आई है। बताया जा रहा है कि इस अभ्यर्थी ने ही भी हल किया हुआ पेपर खरीदकर परीक्षा दी थी। सूत्रों के मुताबिक इसका नाम अंकित रमोला है और यह हाकम सिंह का करीबी है। रमोला को दून लाने की पुष्टि एसटीएफ के सूत्रों से हुई है। सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि रमोला की चैन लंबी हो सकती है। आशंका है कि उसने भी पेपर आगे बेचकर अनुचित तरीके से धन कमाया है, तो आयोग रद्द भी कर सकता है परीक्षा। उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का भविष्य पुलिस की रिपोर्ट से तय होगा। पुलिस अगर अपनी रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने की जानकारी आयोग को उपलब्ध कराती है तो आयोग परीक्षा रद्द कर सकता है। आयोग ने 13 विभागों के 916 पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल 4 और 5 दिसंबर को परीक्षा कराई थी, जिसका परिणाम जारी करने के बाद आयोग ने चुने गए युवाओं के प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन भी कर लिया था। अंतिम चयन सूची विभागों को भेजी जाती से पहले ही पेपर लीक होने की सूचनाएं आ गई। जिन 916 युवाओं का चयन हो चुका है उनसे नौकरी बस एक कदम दूर है, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से पूरी प्रक्रिया रोक दी गई है। जितने आरोपी उतने ही हो रहे खुलासे। एक ने किया पेपर लीक, हर गिरोह के अलग अभ्यर्थी। पेपर लीक मामले में किसी एक कड़ी के बूते जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। गिरफ्तार होने वाला हर शख्स नए खुलासे कर रहा है। ऐसे में जांच कई दिशाओं में आगे बढ़ रही है। एसटीएफ की 8 टीमों को अलग अलग दिशाओं में जांच के लिए लगाया गया है। 22 जुलाई को मुकदमा दर्ज होने के बाद एसटीएफ ने उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक की जाँच शुरू की। 3 दिन बाद ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले लगा कि इनमें से ही किसी ने पेपर लीक किया और उनके संपर्कों में बांटा। जांच देहरादून के 2 उपनल कर्मचारी नेताओं का नाम सामने आया। आरोपियों से पता चला कि उन्होंने सेलाकुए में रहते हुए वहां के कुछ अभ्यर्थियों को नकल कराई, लेकिन अब तक पकड़े गए लोगों ने किसी एक का नाम नहीं बताया। नेता अफसर के साथ फोटो होने से बचेगा नहीं अपराधी। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हाकम सिंह के साथ डीजीपी अशोक कुमार की फोटो वायरल हो रहे हैं। इस मामले में सोशल मीडिया पर घिरे डीजीपी अशोक कुमार ने बुधवार को सफाई दी। उन्होंने कहा कि किसी भी नेता अफसर के साथ फोटो खिंचाने मात्र से कोई अपराधी बच नहीं सकता। पुलिस की नज़र में ऐसे अपराधियों की सिर्फ एक ही जगह है, जेल। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में हाकम सिंह उत्तराखंड के कई पूर्व मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ नजर आ रहे हैं। एक फोटो में हाकम सिंह डीजीपी अशोक कुमार के साथ भी दिख रहा है। हाकम की गिरफ्तारी के बाद लोग इन तस्वीरों के आधार पर जांच दल की तटस्थता पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर डीजीपी अशोक कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। एसटीएफ कम समय में ही 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। क्या हाकम सिंह की पृष्ठभूमि से वाकिफ नहीं थे डीजीपी? हाकम सिंह के साथ डीजीपी की तस्वीर पर भाकपा से ने सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के गढ़वाल सचिव इंद्रेश मैखरू ने इस संबंध में डीजीपी अशोक कुमार को खुला पत्र लिखा है। पत्र में मैखरू ने कहा कि हाकम के खिलाफ पूर्व में मुकदमे दर्ज होने के बावजूद क्या डीजीपी को उसकी बैकग्राउंड की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि मैखरू ने कहा कि इस मामले में एसटीएफ की अब तक की कार्रवाई उम्मीद जताती है, पर अब इसकी पूर्व सीएम, मंत्रीगणों और नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हैरत की बात है कि एक फ़ोटो में खुद डीजीपी परिवार समेत हाकम के रिजॉर्ट पर नज़र आ रहे हैं। क्या हाकम पर पूर्व में किसी और भर्ती परीक्षा मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई थी? यदि हाँ तो क्या डीजीपी को यह पता नहीं था कि हाकम किस तरह का आदमी है? यह चूक कैसे हुई? इन तस्वीरों से पुलिस की तटस्थता पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। धामपुर के 3 नकल माफिया की गिरफ्तारी की तैयारी। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में एसटीएफ पश्चिमी यूपी के 3 नकल माफिया की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। बताया गया है कि ये पिछले दिनों पकड़े गए हाकम सिंह के साथ भर्ती घपले में शामिल रहे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ इनके ठिकानों को टोल ले रही है।
उधर उत्तरकाशी में भी जल्द ही कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। हकम सिंह ने इस व्यक्ति के साथ मिलकर धामपुर में नकल सेंटर बनाया था, जहां पेपर लीक कराते वक्त दो और लोग भी जुटे हुए थे। सूत्रों के माने तो 2020 में भी एक भर्ती परीक्षा में नकल के लिए धामपुर को ही चुना गया था। बताया जा रहा है कि इस गैंग ने सबसे ज़्यादा युवाओं से डील की। गैंग से जुड़े लोगों की संपत्ति बीते कुछ समय से तेज़ी से बढ़ी। एसटीएफ ने हाकम के संपर्कों तक पहुंचना शुरू कर दिया है। घपले के आरोपी बक्से नहीं जाएंगे तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग भर्ती घपले के अंतिम आरोपी तक को पकड़ा जाएगा। त्रुटि रहित परीक्षा के लिए आयोग के साथ किसी दूसरी एजेंसी को जोड़ने पर भी विचार किया जाएगा। दून समेत राज्य भर में 4 दिन बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने प्रदेश में गुरुवार से 21 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके चलते अगले 3 से 4 दिन प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को नैनीताल बागेश्वर जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट रहेगा। 19 को नैनीताल चंपावत और पौड़ी, 20 को नैनीताल बागेश्वर व देहरादून में कुछ जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 21 को पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 22 से बारिश में मामूली कमी आ सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 18 से 21 तक बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और मानसून की सामान्य गतिविधियां रहेंगी। 22 से 25 तक मौसम गतिविधियों में कमी आएगी। इस समय उत्तराखंड आने को इच्छुक यात्रा या पर्यटन कुछ एहतियातों के साथ उत्तराखंड घूमने आ सकते हैं। दून में सड़क चौड़ीकरण को पेड़ों के कटान पर रोक। तो दून के आशीष गर्ग ने दायर की है याचिका। 22 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई। वहीं खबर है देहरादून से पूर्व अफसर के खिलाफ चार्जशीट। तो आय से अधिक संपत्ति के आरोप में विजिलेंस ने रिटायर आईएएस रामविलास यादव के खिलाफ बुधवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कॉलेज के प्राचार्य सानिया का निधन। तो राजकीय महाविद्यालय रायपुर मालदेवता के प्राचार्य प्रोफेसर सतपाल सिंह सानी का बुधवार को निधन हो गया। दुष्कर्म में फरार तीसरा आरोपी गिरफ्तार। तो 3 नाबालिग लड़कियों के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के पुलिस को निर्देश दिए हैं। वहीं खबर है विकास नगर से मांस के साथ एक गिरफ्तार। तो कुलहाल पुलिस ने एक आरोपी को 40 किलो मांस के साथ गिरफ्तार किया है। जन्माष्टमी पर दून में कान्हा के लिए सज गए मंदिर। तो कहीं आज तो कहीं कल मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व। 18 अगस्त की रात 9:20 से शुरू होगी जन्माष्टमी तिथि। जन्माष्टमी उत्सव पर शोभा यात्रा निकाल। सनातन धर्म सभा गीता भवन की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बुधवार को शहर में भव्य नगर कीर्तन व शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। दून में लंपी वायरस, 4 और गायों में लक्षण। दुधारू पशुओं के लिए बेहद खतरनाक लंपी वायरस ने देहरादून जिले में भी दस्तक दे दी है। 3 गायों में बीमारी की पुष्टि के बाद यहां बुधवार को 4 और पशु संदिग्ध मिले। पशुपालन विभाग एहतियात बीमारी की रोकथाम में जुटा है। शहर में दाखिल खारिज की दरों में वृद्धि मंजूर नहीं। तो कांग्रेस ने जताई आपत्ति, कहा आमजन पर पड़ेगी दोहरी मार। चाय बगान की जमीन पर ढाया अतिक्रमण। डोईवाला से ट्रक चोरी में 2 मैकेनिक समेत 3 पकड़े। तो डोईवाला के नूनावाला में सड़क किनारे चोरी हुए ट्रक को पुलिस ने हरिद्वार के लंडोरा से बरामद करते हुए 2 मोटर मैकेनिक और 1 ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। मसूरी में लापता बुजुर्ग का शव पेड़ से लटका मिला। तो पिछले 5 दिनों से लापता बुजुर्ग चमन लाल का शव बुधवार को बाबा बुल्ले शाह की मजार के पास पेड़ से लटका मिला। नाबालिग लड़की के साथ निजी गेस्ट हाउस में दुष्कर्म। नाबालिग से एक गेस्ट हाउस में दुष्कर्म के आरोपी पर नेहरू कॉलोनी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी दूसरे समुदाय का है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उधर पीड़िता का मेडिकल कराने के साथ ही मजिस्ट्रेटी बयान भी दर्ज कराए जा रहे हैं।
बेटे को ट्यूशन छोड़ने गई महिला से छेड़छाड़। तो दून की एक महिला ने पड़ोसी पर बार बार परेशान करने और बेटे को ट्यूशन छोड़ने जाते वक्त छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। बसंत बिहार थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। सगाई के बाद युवती से दुष्कर्म, शादी से इनकार। तो दून में सगाई के बाद युवती से दुष्कर्म और बाद में दहेज की डिमांड करते हुए शादी से पहले रिश्ता तोड़ दिया गया। पीड़िता की मां की तहरीर पर प्रेमनगर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म और उसके माता पिता पर दहेज मांगने का केस दर्ज किया है। पुलिस इस प्रकरण की जांच कर रही है। दून के डीएवी कॉलेज में छात्रों का हंगामा, प्रवेश की प्रक्रिया रुकवाई। दून में मार्कशीट के बिना बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश शुरू करने पर भड़के छात्रों ने बुधवार को डीएवी पीजी कॉलेज में जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों ने प्रवेश समिति के सदस्यों को उठाकर प्रवेश की पूरी प्रक्रिया रुकवा दी। रुड़की में तिरंगे के अपमान मामले में मछली कारोबारी हुआ गिरफ्तार। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान मामले में सोशल मीडिया पर कथित फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने मछली कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर मंगलवार को एक कथित फोटो वायरल हुआ था। सोशल मीडिया में वायरल कथित फोटो में दुकान पर मछली विक्रेता की ओर से राष्ट्रीय ध्वज में मछलियों का टोकरा ढककर रखा गया था। भद्राज देवता के मेले में हजारों भक्त पहुंचे। तो भद्राज देवता का दो दिवसीय मेला पारंपरिक रीति रिवाज एवं देव दर्शन के साथ बुधवार को समाप्त हो गया। कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर 3 वर्ष में भी नहीं खुला। तो शिलान्यास के 3 साल बाद भी देहरादून में कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र नहीं खुल पाया है, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि कुआंवाला में 1.5 साल के भीतर यह सेंटर तैयार हो जाएगा। राजपुर पार्क जल्द खुलेगा, ₹20 होगा प्रवेश शुल्क। ईयरफोन पर गाने सुन रहा युवक ट्रेन की चपेट में आया। तो रेलवे ट्रैक पर कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह अपने रिश्तेदार के यहाँ दून आया हुआ था। कोई अग्निवीर खाली नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार अग्निवीरों को खाली नहीं बैठने देगी। उन्हें पुलिस, आपदा प्रबंधन जैसे विभागों में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार लोन पर 21 दिन में निर्णय लेना अनिवार्य। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं के लोन के प्रस्तावों पर बैंकों को 21 दिन के भीतर निर्णय लेना होगा। उधर उद्योग विभाग स्वरोजगार के प्रस्ताव को आवेदन के 3 दिन के भीतर ही बैंक को उपलब्ध करा देगा। अभ्यर्थियों की गुहार, इंसाफ करो सरकार। तो मेहनत और ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। गलत तरीके से चयनित को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, लेकिन मेहनत से भर्ती परीक्षा पास करने वालों को नियुक्ति दी जाए, यह कहना है चयनित अभ्यर्थियों का। पिछले साल 4-5 दिसंबर को उत्तराखंड से चयन आयोग भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने बुधवार को ज्वाइनिंग की मांग उठाई। उन्होंने 2 टुक में कहा कि गलत करने वालों को कतई बख्शा न जाए, लेकिन जिन्होंने भर्ती परीक्षा पास करने के लिए कई साल मेहनत की, उनके साथ न्याय होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थी ने निष्पक्ष जांच की मांग की। चयनित होने पर दूसरी परीक्षाएं छोड़ी। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि चयनित होने के बाद कई युवाओं ने दूसरी परीक्षाएं छोड़ दी। उन्होंने दावा किया कि 450 अभ्यर्थियों का कनिष्क सहायक में चयन हुआ था, पर बीपीडीओ में चयनित होने के चलते उन्होंने टाइपिंग टेस्ट नहीं दिया। दयारा में खेली दूध और मक्खन की होली। तो 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 200 लीटर मट्ठा, 50 किलो मक्खन से खेली गई होली। 12 प्लस को कोविड से बचाव का टीका लगवाएं। तो 12 प्लस वालों के लिए भी टीकाकरण अभियान चल रहा है। बच्चे की उम्र 12 से 14 साल के बीच है तो उसे कोविड रोधी टीका लगा सकते हैं। ऋषिकेश सरकारी अस्पताल, स्कूलों में भी टीका लग रहा है। पीसीएस की मुख्य परीक्षा 14 से 17 अक्टूबर तक होगी। देवप्रयाग में राधा कृष्ण की झांकी निकाली गई। वही खबर है, नई टेरी से घी का सैंपल फेल, वाद दायर किया जाएगा।
भर्ती घोटाले की हो सीबीआई या जांच, तो प्रदेश में हाल ही में हुई भर्ती घोटाले में सरकार सीबीआई से जांच कराई। यदि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ को लेकर सरकार द्वारा गंभीरता से कार्रवाई नहीं की गई तो उपरांत युवाओं को साथ लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से शायद ही कोई भर्ती प्रक्रिया ऐसी रही हो जिसमें घोटाले की बू न आई हो। धरासू बैंड के पास गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बाधित, तो चट्टान दरकने से हाईवे पर आए बड़े बड़े बोल्डर, तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोग जाम में फंसे। वही खबर आई है कर्णप्रयाग से, चटवा पीपल के पास बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे, तो बद्रीनाथ हाईवे पर चटवा पीपल के पास एक ट्राला फंसने से करीब 2 घंटे तक यातायात अवरुद्ध रहा। वही खबर है कर्णप्रयाग से, 15 दिन से बंद है धार डूंगरी मैखुरा स्टेट हाईवे, सेमेस्टर परीक्षाएं टालने की मांग, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने अग्निवीर भर्ती दिवस पर होने वाली गढ़वाल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है। अग्निवीर भर्ती प्रमाण पत्र बनाने को करनी पड़ रही मशक्कत, तो तहसील पौड़ी में इन दिनों युवाओं को अग्निवीर भर्ती से पहले प्रमाण पत्रों के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। गोचर में रोजगार को लेकर के लोगों ने धरना दिया। गडकरी व शिवराज संसदीय बोर्ड से बाहर, तो बड़ा बदलाव, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की शीर्ष सांगठनिक इकाई में किया बदलाव। नमामि गंगे परियोजना में उत्तराखंड को 118 करोड़ रुपए की सौगात, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक में राज्य की 6 योजनाओं को दी गई सैद्धांतिक स्वीकृति। इग्नू ने पर्यावरण व आपदा प्रबंधन पर शुरू किए पीजी में पाठ्यक्रम। दून अस्पताल में अब जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का भी होगा उपचार, तो आज से किया जाएगा लाइफ स्टाइल क्लिनिक का संचालन। डेयरी में छापा, 15 गोवंश मुक्त करा, गौ सदन भेजे गए। मंगेतर ने दहेज में बुलेट मांगी तो नदी में कूद गई युवती, तो मंगेतर ने दहेज में बुलेट व स्कूटी की डिमांड की तो इससे आहत युवती नदी में कूद गई, पुलिस ने किसी तरह उसे बचा लिया तो युवती ने जहरीला वस्तु निकल ली, इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हो पाया है। युवती ने मंगेतर पर शादी के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया, प्रेमनगर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्वतंत्रता दिवस पर अनुपस्थित रहे 6 शिक्षकों को नोटिस भेजा गया। एनएचएम में 1027 रिक्त पदों को भरें, तो प्रभारी स्वास्थ्य सचिव एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिलों में एनएचएम के अंतर्गत आने वाले 1027 पदों को जल्द भरा जाए। ऑनर किलिंग में किशोरी का भाई और जीजा गिरफ्तार, तो लक्ष्य से खबर आई है कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस ने किशोरी के सगे भाई और जीजा को गिरफ्तार किया है। तैयारी, सहायक शिक्षकों के हो सकेंगे अंतरमंडलीय स्थानांतरण, तो एलटी शिक्षक एक मंडल से दूसरे मंडल में स्थानांतरण को लेकर न तो परेशान होंगे और न ही उन्हें वरिष्ठता से समझौता करना पड़ेगा, इनके मंडलीय कैडर को बदल कर राज्य कैडर किया जाएगा। वही खबर आई है नई टिहरी से, रेस्टोरेंट में रखे चावलों में मिला कीटनाशक, तो ढाबे में ग्राहकों के लिए परोसा जाने वाले चावलों में कीटनाशक मिले हैं। खाद्य संरक्षा विभाग ने चारधाम यात्रा के दौरान 14 मई को चंबा ऋषिकेश रोड पर एक ढाबे में खुले चावल का सैंपल लिया था। जांच रिपोर्ट में चावल में हानिकारक कीटनाशक पाया गया जो इंसान के लिए बेहद खतरनाक हैं। लघु फिल्म पाताल तिया का चयन किया, तो वर्ल्ड प्रीमियम और इटालियन प्रीमियम के बाद लघु फिल्म पाताल ती का रशियन प्रीमियर दुनिया के प्रतिष्ठित मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आगामी 30 अगस्त को होने जा रहा है। 44वें मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता वर्ग में 40 फिल्मों का चयन हुआ है। वही खबर यही है गरुड़ से, सीएम करेंगे कोट भ्रामरी मेले का शुभारंभ, बेटियों ने चरण चूमे या पत्नी ने झुकाया। वही खबर है लाल कुआं से, हाईवे पर 2 ट्रकों में भिड़ंत हुई, घर आने पर होटल में आकर की भावनाएं, असली हरकत तो नैनीताल से खबर आई है। वही खबर है लाल कुआं से, किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास, युवक को गिरफ्तार किया गया।
पहली बार ऑनलाइन भरे जाएंगे बोर्ड परीक्षार्थियों के आवेदन। तो उत्तराखंड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए इस वर्ष से पहली बार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की तैयारियों को लेकर के आयोजित बैठक में जनपद के समस्त प्रधानाचार्यों को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वही खबर है, धारचूला से एलधार में फिर टूटी चट्टान, यातायात बाधित रही। दो माह में तैयार हो जाएगी सीमांत जनपद की पहली कृत्रिम झील। वही खबर है, यह पिथौरागढ़ से सोर घाटी में आज से मचेगी लोक पर्व साटू आटू की धूम। प्यार के लिए घर छोड़ा अब दुनिया, माँ बेटे की मौत ने खड़े किए सवाल। पड़ताल में जुटी पुलिस को विसरा रिपोर्ट का इंतजार है। पीआरडी जवान पर हमला, वर्दी फाड़ी, तो काशीपुर से खबर आई है। वही खबर आई है कि रुद्रपुर से कार की टक्कर से श्रमिक की मौत हो गई। रुद्रपुर से खबर आई है, छेड़छाड़ के विरोध पर पिता को किया लहूलुहान, केस दर्ज किया गया। सितंबर से शुरू हो सकती है जनगणना, तो प्रदेश में जनगणना का काम सितंबर से शुरू हो सकता है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जनगणना की समीक्षा करते हुए इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 216 नए संक्रमित, एक मरीज की मौत। तो बीते 24 घंटे में 216 नए कोरोना संक्रमित मिले, एक मरीज की मौत हो गई। पतंजलि के गाय के घी का सैंपल फेल, दर्ज होगा केस। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की केंद्रीय प्रयोगशाला जांच में पतंजलि आयुर्वेद गाय के घी का सैंपल फेल हो गया। सैंपल फेल होने की रिपोर्ट मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग कंपनी के खिलाफ अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा दर्ज करेगा। वहीं एक रेस्टोरेंट से भरे गए खुले चावल के सैंपल भी फेल हो गए हैं। राजधानी में भी लंबी बीमारी का दस्तक, पशुओं में दहशत है। दून मेडिकल कॉलेज की कैथ लैब शुरू, अब मिलेगा बेहतर इलाज। वही खबर है, देहरादून से सरकारी जमीन से हटवाया कब्जा। उत्तराखंड में स्वरोजगार के लिए अब साक्षात्कार का झंझट खत्म। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और अति सूक्ष्म योजना के नियमों में बदलाव किया गया। उत्तराखंड में होगी कैनो स्प्लिट राष्ट्रीय चैंपियनशिप। तो उधम सिंह नगर जिले में के गुलर भोज में 22 से 25 अगस्त तक का होगा आयोजन। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो NMDC में भर्ती, तो 130 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 25, 26 और 27, 28, 30 अगस्त तक होगा। IHBS में अवसर, तो 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं गेल इंडिया लिमिटेड में 299 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं गुरु गौर रक्षक नाथ सेवा संस्थान गोरखपुर में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। MKP में 21 अगस्त तक कराएं ऑनलाइन पंजीकरण। तो MKP स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातक के लिए 17 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी गई है। वह खबर है, कोटद्वार से काले झंडों के साथ कांग्रेसी गिरफ्तार। तो मुख्यमंत्री के काफिले को दिखाने जा रहे थे काले झंडे, पुलिस ने पकड़ा। भर्ती के लिए कोटद्वार पहुंचने लगे चमोली जिले के युवा। तो 19 अगस्त को पहले दिन होनी है चमोली के युवाओं की भर्ती। जोशीमठ में भू धसाव का सर्वेक्षण शुरू। तो शासन के निर्देश पर पहुंची वैज्ञानिकों की टीम, पहले दिन विष्णु प्रयाग से मारवाड़ी पुल तक किया सर्वेक्षण। CUET से अटके लाखों छात्रों के दाखिले। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में अभी तक नहीं हो पाई प्रवेश परीक्षा, छात्र हो रहे हैं परेशान। वही खबर है, हरिद्वार से गंगा में बढ़े घातक बैक्टीरिया। तो PCB की सैंपलिंग रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हरिद्वार से खबर आई है, ब्यूटी पार्लर में लगी आग, सामान जला। वही खबर है, हरिद्वार से अश्लील वीडियो बनाकर ठगे 45 लाख रुपए। हल्द्वानी से खबर आई है, हमले में व्यापारी समेत 8 लोग गिरफ्तार हुए। अवैध कारोबार करने पर 3 लकड़ी कारोबारियों पर जुर्माना लगाया गया। छात्रों ने पिथौरागढ़ महाविद्यालय में तालाबंदी की। तो पिथौरागढ़ महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का कैंपस बनाने का विरोध किया। वही खबर है, लोहा